दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार एक वचन दे दिया है मनमीत ने अपने फादर यानी सरकार को, और बोल दिया है सरकार से मनमीत ने कि जो तुम चाहो वो तुम मुझसे मांग सकते हो, लेकिन प्लीज़ इस बच्चे को यहाँ से मत भेजो, क्योंकि दोस्तों वो जो बच्चा है इस समय मोहन रुका हुआ है, उसको मीत हुड्डा ने बोला है कि मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, और उसी चीज़ को सपोर्ट किया है मनमीत ने। मनमीत ने अपने फादर से बोल दिया है कि अगर मीत हुड्डा चाहती है इस बच्चे को यहाँ रोकना, तो प्लीज़ तुम लोगों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ कि इस बच्चे को यहाँ पर रहने दीजिए। उसके बाद में सरकार ने बोल दिया कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो हम वैसे ही मान रहे हैं, लेकिन मनमीत ये याद रखना कि कल को अगर हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो सोच लेना कि तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, एक वचन तुम्हें उधार है। जिसके बाद में मनमीत बोलता हुआ नजर आ रहा कि मेरी जुबान झूठी नहीं हो सकती, जो तुम मांगोगे जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी दिलचस्प मोड़ पर अटक चुकी है, जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय धीरे धीरे ही मीत हुड्डा को पता चलेगा कि ये बच्चा आखिरकार मेरे से ही इतना लगाव क्यों कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर वो अपने बच्चे की निशानी के लिए तड़प रही है और इस बच्चे के भी सैम वो ही निशानी है कि जो कुछ समय पहले मीत हुड्डा से एक कार एक्सीडेंट में वो बच्चा छिन गया था। क्योंकि दोस्तों आखिरकार माँ की ममता एक बार फिर से सामने आती हुई नज़र आ रही है मीत हुड्डा के, क्योंकि मीत हुड्डा बोलती हुई नज़र आ रही है कि आखिरकार कुछ तो ऐसा है कि जो मुझे सोचना पड़ेगा उसके बारे में। आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा आर पार की आखिर बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी लोगों को इतना भी पता है कि आखिरकार जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही तो हो ही नहीं रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक और कहानी में नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मनमीत बोलते हुए नजर आएंगे।